गुड मॉर्निंग क्लास गुड मॉर्निंग सब लोग को गुड आफ्टरनून हम आप लोग को ये किस चीज का बैच है किस चीज का बैच है बाबू हिस्ट्री का न का बैच है जोग्राफी मैप मैप का मैप 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 ठीक मैप पढ़ा रहे थे चलिए मैप में हम आपको यूरोप बता रहे थे मैप का बैच है पॉलिटी बोल रहा है देखो लड़कों बहुत खचरा होता है सर सब कम नहीं है सब बिहार में जाइएगा ना डायरेक्शन पूछेगा गुआ किधर जाएगा तो उल्टा भेज देता है बड़ी बदमाश होता है सर बाढ़ में गए थे हम पटना गलत रास्ता भेज दिया सर उधर फंस गए सब हंस रहा था फंस गई लो गाड़ी <laughs> पॉलिटी बोल रहा है ये भाई तू लोग अभी जवान है हम लोग हम बुढ़ापा में हम लोग आ गए लोग अब दिमाग उमाग अच्छा से काम नहीं करता है चलिए देखिए आप, आप लोग को अब समझाते हैं कुछ चीजें जो आपको बता दिए थे अब दोबारा बताते हैं वो नई चीजें रहेंगी आप सब लोग के पास है देखिए भाई ये वाला कंट्री है नॉर्वे कंट्री का नाम क्या है नॉर्वे मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं नॉर्वे को कहा जाता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पर ये पृथ्वी की ऊपरी ध्रुव पर है इसलिए यहाँ पर ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है और यहाँ पर यह सूरज की किरणें बहुत तिरछी दिखती हैं रात तक में भी दिख जाती है तो मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं नॉर्वे इसकी राजधानी ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो उसके बगल में कौन देश है स्वीडन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम ध्यान से देखते चलिए स्वीडन की राजधानी

तो आपके भाई छोटे भाई बहन लोग उसको पढ़ेंगे जैसे ये यूरोप का नक्शा है ये यूरोप का नक्शा है तो बाबू इधर देखेंगे तो ये पॉलिटिकल हिस्सा है और इधर फिजिकल हिस्सा है तो जैसे यहां नॉर्वे लिखा है ना नौ। ये नॉर्वे लिखा है तो आप देखिए यूरोप के ऊपरी भाग में नॉर्वे लिखा है तो यूरोप के ऊपरी भाग में यहां देखेगा एसकेंडे पर्वत लिखा होगा एसकेंडे पर्वत पर्वत फटाफट देखेंगे इस पार्ट में लिखा होगा ब्राउन कलर में फिजिकल में तो यहां तो पर्वत पर्वत है है ये स्वीडन से हम लोगों ने कौन सा पद लाए हैं लोकपाल यानी ओमबर्ट्स मैन का पोस्ट लाए लायाट्स मैन यानी लोकपाल का पद लाए हैं देखिए ये वाला देश है आपका फिनलैंड फिनलैंड ये होगा ये भाग क्यों रहा है यार ये यहां बनाए थे काला यहां चलाया ये वाला देश है फिनलैंड झीलों का देश किसे कहते हैं फिनलैंड को देख रहे मिट जा अपने से फिनलैंड ये झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड समझ गया नीचे में एक देश है जिसका नाम है आपका ये वाला नीचे वाला एक कंट्री है ये आपका डेनमार्क ये डेनमार्क है नीचे वाली कंट्री डेनमार्क है डेनमार्क देखिए ये चारों देश को जब मिलाते हैं ना डेनमार्क को ये चार कंट्री नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क ये चार कंट्री को मिला देते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एसकेंडेनेवियाई कंट्रीज क्योंकि इन चारों का कल्चर एक जैसा है पहले ये चारों एक ही में थे फिर टूट टूट के अलग अलग देश बन गए तो एसकेंडेनेवियाई पर्वत के आधार पर उसके आसपास के चार देशों को हम एसकेंडानेवियाई देश कहते हैं जैसे हम हिंदुस्तान पाकिस्तान नेपाल भूटान सब को हम लोग क्या कह सकते हैं हिमालयी देश कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में भी हिमालय पर्वत का ऊपरी भाग हिंदू पर्वत के पास तक चला जाता है हमारे यहाँ तो पूरा हिमालय ही यही है कश्मीर उत्तराखंड वगैरह में नेपाल हो गया भूटान हो गया तो जिस तरह से हम इन कंट्रीज़ को एक हिमालयी देश कह सकते थे उसी तरह यूरोपीय लोगों ने इसे स्केंडेनेवियाई पर्वत यहां एक पहाड़ है एस्केंडेवियाई माउंटेन उसके आधार पर इन चारों कंट्रीज को एस्केंडेवियाई कंट्रीज घोषित कर दिया क्या घोषित कर दिया एस्केंडेवियाई कंट्रीज को घोषित कर दिया था ठीक है किसी को कोई दिक्कत नहीं शुरुआत में में, केवल तीन देश आते थे। और में नहीं आती है तो चार देश तो आपको पता है कि भैया में आते ही हैं बट इतफाक देखिए कि यही चारों ऑप्शन में रहते हैं नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन और डेनमार्क नॉर्वे फिनलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और डेनमार्क तो आप क्या करिएगा तो कुछ लोगों का कहना है कि फिनलैंड का कल्चर ज़्यादातर तो रशिया के कल्चर से मैच करता है इसलिए वो लोग फिनलैंड को कभी कभी इसका हिस्सा नहीं मानते और इवन कई बार इसे इस संघ से हटाया भी जा चुका है लेकिन फिर भी हम लोग जोग्राफिकली इसे फिनलैंड को भी एस का हिस्सा मानते हैं तो आपसे कहेगा लोकपाल यानी किसी अधिकारी पे छापा मारने वाले अधिकारी को लोकपाल कहते हैं जैसे इनकम टैक्स हम लोग के ऊपर छापा मारता है ना कभी सुने कि इनकम टैक्स के ऊपर कोई छापा मारा कभी सुने कि सीबीआई जांच सही से की नहीं कि उस पे छापा मारा कभी सुने कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी कोई गलत फैसला दिया तो उस पे भी छापा मारे ऐसा नहीं है तो इसके लिए आता है लोकपाल वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं तो वही पद कहां से आया है तो आया तो वो स्वीडन से है लेकिन ऑप्शन में ना कई बार नहीं रहता है खास करके यूपी पी में दो बार ये क्वेश्चन आया था दोनों बार में उसने कहा था ए, स्वीडन ऑप्शन में नहीं थे तो एस्केंडानेविया ही मारा गया तो एस्केंडानेविया देश में चार आते हैं लेकिन फिनलैंड को कभी कभी इसमें शामिल नहीं किया जाता आंसर आप समझ में आ गया होगा आगे बढ़े भाई स्टारडम बंदरगाह है रोटाडम नहीं है स्टार्डम है नाटो में 29 कंट्री पहले थे अभी 30 कंट्री है तो हम उस समय बोले भी होंगे आपको नाटो में पहले 29 कंट्री थे अभी इसमें कितने कंट्री हो गए 30 कंट्री हो गए माल्टा भी इसमें शामिल हो गया अभी नाटो में 30 कंट्री हैं सब समझ में आ गया आगे बढ़े रोटोडम एक बंदरगाह है बाबू शहर है बंदरगाह नहीं है कोई बताए कि कल क्लास हुआ था कि नहीं आनंद राजपूत ए राणा प्रताप आनंद राजपूत क्या कर रहे हैं बाबू नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए कल क्लास नहीं हुआ था उपरा एको घंटी बना रहा था में हाँ? नाम डुबाएगा सभी सब ब्रिटेन पढ़ा रहे थे ना हाँ बाबू ब्रिटेन पढ़ा रहे थे हम कभी भी कोई चीज एक ही बार में कंप्लीट नहीं करते हैं क्योंकि जानते हैं कि पढ़ा के चल जाएंगे तो दरिया वाला भुला जाएगा इसलिए बार बार मिला देते हैं अब यहां देखिए ब्रिटेन तक तो पढ़ा दिए थे ब्रिटेन के ऊपर देखिए आइसलैंड देश है आइसलैंड कितने लोग बता सकते हैं देखते हैं याद है कि नहीं इस ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार था यह बड़ा सा ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार था बड़ा सा ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार था आंसर फटाफट हम देखना चाहते हैं ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार था ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार था बेकूफ ग्रीनलैंड पे पूछ रहे हैं हाँ डेनमार्क का एक टू कर रहा है पाकिस्तान का अधिकार अरे भाई उसका अपने देश से अधिकार खत्म हो रहा है हाँ किसका अधिकार था डेनमार्क का था किसका डेनमार्क का तो एक्चुअली ये अलग कंट्री में तो काउंट होता ही नहीं है उसी का हिस्सा है डेनमार्क का हिस्सा है तो देखिए जब कभी भी एस्केंडोनेवियाई कंट्रीज में आप आइसलैंड को जोड़ देते हैं ध्यान से समझिएगा इन एसकेंडोनेवियाई कंट्रीज यानी इन चार कंट्रीज में से जब कभी भी आप किसे जोड़ देते हैं आइसलैंड को ग्रीन लैंड तो पहले से जुड़ा है ग्रीन लैंड तो पहले से जुड़ा है क्योंकि वो डेनमार्क से है तो हम यहाँ एक अलग से भी बोल देते हैं तो आपकी दिमाग में आइडिया लगे आपको जब कभी भी स्केंडोनेवियाई कंट्रीज में आप आइसलैंड और ग्रीन लैंड को जोड़ देते हैं हालांकि मेरे लिए ये ग्रीन लैंड बोलना सही नहीं है क्योंकि ग्रीन लैंड डेनमार्क का हिस्सा है लेकिन आपको अच्छे से याद हो सके इसलिए दो बार बोल रहे हैं में जब कभी भी आइसलैंड और ग्रीनलैंड को जोड़ देते हैं तो इन देशों को हम बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री क्या कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज समझ गया कि नहीं आगे नॉर्डिक कंट्रीज किसी को कोई दिक्कत नहीं तो नॉर्डिक में यह पूरा आएगा नॉर्डिक में पूरा आएगा फुल फॉर्म क्या होता है नॉर्दर्न आर्कटिक नॉर्डिक यानी आर्कटिक का ऊपरी हिस्सा यूरोप का हिस्सा तो ये पूरा का पूरा हिस्सा किस में आ गया नार्डिक में आ गया इसमें से केवल ये चार हिस्सा एस्केंडोनेवियाई में आ गया तो एसकेवियाई इज अ पार्ट ऑफ नार्डिक कंट्रीज ओके किसी कोई को दिक्कत नहीं है तो ब्रिटेन तक पढ़ा दिए थे ब्रिटेन के ऊपर ये देखिए आइसलैंड मिलेगा आप लोग फटाफट देखिए आइसलैंड ब्रिटेन के ऊपर जगह मिलेगा आइसलैंड ब्रिटेन के ऊपर आइसलैंड ब्रिटेन के ऊपर क्या हो गया आइसलैंड हो गया आगे बढ़े ब्रिटेन के ऊपर आइसलैंड ब्रिटेन पढ़ा दिए थे ब्रिटेन में कितने कंट्री आते हैं तीन नीचे में इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड लेकिन अगर इसी में उत्तरी आयरलैंड शामिल कर देंगे तो क्या बन जाता है यूके और आयरलैंड तो अलग है आयरलैंड की राजधानी डबलिन है आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट संविधान का नीति नहीं दे सकता तो आयरलैंड से आया था अब आपको फ्रांस पढ़ाना है यहां तक मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं अब फ्रांस पढ़ाना है सर पहले इंडिया पढ़ाइए पढ़ा दीजिए आगे बढ़े अब पढ़ आधा यूरोप पढ़ दिए तो आधा इंडिया कैसे पढ़ा देंगे अब अब जब तक तो पूरा वर्ल्ड कंप्लीट तो तो नहीं होगा वर्ल्ड से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बाबू घास भूस का मैदान सब वर्ल्ड से आता है इंडिया के मैप से क्वेश्चन कम आते हैं वर्ल्ड मैप से ज्यादा आते हैं इंडिया की जोग्राफी से आते हैं नीचे देखिए ब्रिटेन के नीचे देखिएगा फ्रांस मिलेगा ब्रिटेन के नीचे फ्रांस फटाफट देखेंगे अभी विवादों में चल रहा है फ्रांस ब्रिटेन के नीचे फ्रांस ब्रिटेन के नीचे फ्रांस मिल गया ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक पतला सा समुद्र है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल एक समुंदर है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक समुंदर है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल आप देखिए अपने नक्शे में ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाले समुन्दर का नाम क्या है इंग्लिश चैनल कौन सी महिला थी जिस इस समुंदर को पार कर गई थी इंग्लिश चैनल पार करने वाली समुद्र महिला का नाम आरती शाह क्या नाम था आरती शाह किसी को दिक्कत कहेगा कि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कौन करता है तो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाले समुद्र का नाम क्या है इंग्लिश चैनल ब्रिटेन फ्रांस को अलग करने वाले समुद्र का नाम क्या है इंग्लिश चैनल याद रहेगा किसी को कोई दिक्कत नहीं आदर्श वर्मा सर आप राजीव दीक्षित पर भी वीडियो बनाइए ना बना देंगे बाबू कभी टाइम मिलेगा तो राजीव दीक्षित सर पे भी बहुत अच्छे थे राजीव दीक्षित इवन की अभी उनका आकस्मिक डेथ हो गया समझिए एक देश ने एक बहुत बड़ा हीरा खो दिया राजीव दीक्षित दी। कभी टाइम मिलेगा तो बना देंगे ठीक है कितना एक आदमी कितना काम करेगा यार आगे बढ़े किसी को कोई दिक्कत नहीं ये वाला जगह कौन सा ये फ्रांस है कौन सा ये फ्रांस और ये ब्रिटेन इन दोनों को अलग करता है इंग्लिश चैनल कौन अलग करता है इंग्लिश चैनल याद रखिएगा ये चीज नक्शा में नहीं दिखेगा लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा फ्रांस का ऊपरी भाग जो ब्रिटेन से सटता है फ्रांस का ये ऊपरी भाग फ्रांस का ऊपरी भाग ये नारमंडी कहलाता है क्या कहलाता है नारमंडी कहलाता है क्या कहलाएगा नारमंडी ये वाला एरिया नारमंडी कहलाता है द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे भीषण लड़ाई यहीं हुई थी नारमंडी पर द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे भीषण लड़ाई क्या हुई थी फ्रांस के ऊपरी भाग में नारमंडी पर किस पर नारमंडी पर इसके नीचे वाला एरिया कहलाता है लॉरेंस क्या कहलाता है लॉरेंस तो ये ऊपर के भाग जो है ये समुन्दर का किनारा कहलाता है आपका नारमंडी बीच यानी समुद्र का किनारा इससे सटा हुआ भाग कहलाता है लॉरेंस जो लो किसके लिए फेमस है यहाँ पे लोहा और स्टील के कारखाने हैं लोहे और स्टील के कारखाने होते हैं तो नारमंडी से भी क्वेश्चन आया कि में सबसे भीषण हुई लड़ाई नारमंडी में हुई थी ये नारमंडी समुद्र का किनारा कहाँ है तो यह नारमंडी समुद्र का किनारा कहाँ पर है भैया तो ये है आपका फ्रांस में कहेगा फ्रांस का शहर लॉरेंस किस लिए है तो वहां लोहा और इस्पात ज्यादा होता है लोहे में अगर आप केवल एक परसेंट कार्बन फेंक देते हैं ना लोहे में केवल एक परसेंट कार्बन फेंक देते हैं तो वो स्टील बन जाता है इसलिए जहाँ लोहे का कारखाना रहेगा वहीं स्टील का कारखाना रहेगा जैसे दूध में एक परसेंट दही डाल देंगे जो रन तो दही बन जाता है तो जहाँ दूध रहेगा वहीं दही बनेगा उसी तरह जहाँ लोहा रहेगा वहीं स्टील रहेगा एक परसेंट कार्बन डालेंगे तो क्या बन जाता है स्टील बन जाता है तो दो क्वेश्चन फ्रांस के ऊपर से आप ऐसे ही समझ गए याद रहेगा आप लोग को किसी को कोई दिक्कत नहीं फ्रांस में फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जहां पर स... वो अपने अनाज को खुद उगा लेता है और वो अनाज को व्यापार के लिए भेज भी देता है इसलिए यूरोप का भारत कहा जाता है फ्रांस को क्योंकि भारत भी अनाज उत्पादन करने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है खेती पर हम लोग आधारित हैं वैसे ही पूरे यूरोप में खेती पर डिपेंड है डिपेंड नहीं कहिए कि खेती को बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है फ्रांस कर लेता है समझ में गया फ्रांस कर लेता है फ्रांस के तीन शहर बहुत ही फेमस है फ्रांस के तीन शहर फेमस हैं पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वहाँ का आईफिल टावर दुनिया में फेमस है फ्रांस की राजधानी क्या है पेरिस है फ्रांस की राजधानी पेरिस याद रहेगा ना सीन सीन नदी के किनारे किस नदी के किनारे है सीन नदी के किनारे सीन नदी के किनारे फ्रांस के आगे एक समुंदर है जिसका नाम है बिस्के की खाड़ी फ्रांस के आगे एक समुंदर है जिसका नाम है बिस्के की खाड़ी आप ध्यान से देखिए नक्शा में देखिए फ्रांस के आगे एक समुंदर है उस समुंद्र का नाम है बिस्के की खाड़ी यह फ्रांस दिख रहा है ना आपको इस फ्रांस के आगे एक खा समुंदर है जिसका जहा जिस समुंदर का नाम है बिस्के की खाड़ी मिल गया सबको मिल गया भा एक आदमी पूछ रहे हैं। सर यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो इतनी जानकारी कहां से लाते हैं पहले आप पढ़िए ना आपके पास भी जानकारी हो जाएगा हर तरह की जानकारी हो जाए है तो उसको मैच कर दिया कीजिए आगे बढ़े किसी कोई दिक्कत नहीं है आगे देखते हैं ये वाला जो जगह हो गया ये ये यह चीज यहां पर एक शहर मिलेगा आपको बोर्डो यहाँ एक शहर शहर कौन सा मिलेगा बोर्डो आप देखिए बोरदो शहर मिला कि नहीं मिला कितने लोग को बोर्डो शहर मिल गया इस बिस्के की खाड़ी के पास एक शहर मिलेगा बोर्डो जो शराब के लिए फेमस है बोर्डो किसके लिए फेमस है शराब के लिए बोर्डो किस लिए फेमस है शराब के लिए यहाँ की सबसे फेमस शराब सेम्पेन शराब है यहाँ की सबसे फेमस शराब कौन सी है सेम्पेन शराब होती है सबसे फेमस यहां की शराब सेम्पेन होती है किसी कोई दिक्कत नहीं है सेम्पेन बोर्डो किस लिए फेमस है सेम्पेन के लिए हाँ? आवाज कट गया एक बार सुन लीजिए तो सही है देखिए बाबू शराब जो होता है ना बहुत ज्यादा होते हैं शराब ये कई कैटेगरी के, के होते हैं शराब इसकी कई कैटेगरी होती है देखिए देखिए एक होता है देसी <laughs> सचरा पी के गरियाता है <laughs> ये छोटा पाउच में रहेगा ना पी के गरियाएगा सर गाली देगा सर ढह जाएगा सर जहां तक तो ये हो गया देसी शराब ठीक है इसके बाद आता है एक बियर बियर में अल्कोहल आठ परसेंट रहता है आठ से बारह परसेंट अल्कोहल बियर में रहता है बियर पीने के बाद इंसान गाली गलौज नहीं करता है शांति से पड़ा रहता है कि बियर पीने के बाद वो गरिया जाते हैं सर इसमें नहीं गरिया जाता होगा सर आठ परसेंट रहता है इस ससुरा में पचास परसेंट अल्कोहल ठोक देता है इसलिए भयानक गरी आता है और बियर वगैरह ये ये क्या फिल्टर कर देता है जितना फिल्टर करेगा ना उतना महंगा हो जाएगा तो ये बियर हो जाता है अब इसके बाद आता है एक रम रम एक से थे कि रम क्यों पीते हो तो कह रहा था कि आप क्या जानेंगे मास्टर साहब रम का मतलब क्या होता है रम का मतलब हम आपको बताते हैं पीले रम का मतलब होता है, रेगुलर यूज मेडिसिन डेली <laughs> यूज करने वाला मेडिसिन है इसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा रहती है अब अलग अलग रम की कैटेगरी होती है इसमें मतलब पंद्रह परसेंट से लेके पच्चीस परसेंट तक अल्कोहल इसमें डाल दिया जाता है रम में अब एक होता है इसका विस्की विस्की देखिए रम और विस्की में अल्कोहल सेम रहता है कोई अंतर नहीं रहता है लेकिन रम जो होता है ना रम ये गर्मी देता है ये क्या करता है गर्मी ये टेम्परेचर बढ़ा देता है और विस्की जो होता है वो गर्मी इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं रहता है इसलिए गर्मी के दिन में ऑलरेडी इंसान के शरीर में गर्मी रहता है तो वो लोग क्या पीते हैं लोग विस्की लेकिन ठंडी के दिन में उपयोग कर लो क्या पीते हैं रम क्योंकि वो नशा भी करता है और शरीर को गर्मी भी देता है तो जितने छोटे मोटे लोग हैं लोग मतलब जो बीस रुपया ठेला रिक्शा चलाने वाले ये सब टाइप के वो ससुरा देसी शराब उठा के पी लेता है चालीस रुपया में कितना का पड़ता है चालीस रुपये बियर पी लेते कितने का पड़ता होगा जी ये बियर जो होते हैं सौ से डेढ़ सौ रुपए में आ जाते हैं और ये ये भी रेट दो सौ के आसपास में आता है और ये दो ये सौ रुपये के आसपास में आता है ये दो सौ में सौ से डेढ़ सौ ये अब एकट रेट हमको नहीं पता है इसी आसपास में होते होंगे सर समझ गया कि नहीं आ रहा है रम और विस्तु तो मेन अंतर यही होता है ज्यादातर लोग क्या पीते हैं लोग रम पीते हैं ज्यादातर लोग, लोग ठीक है और बियर अलग चीज होता है बिस्की अलग होता है अब एक सेम्पेन शराब आता है कौन आता है सेम्पेन कितने लोग बता सकते हैं सेम्पेन जनजाति भारत में कहां पाई जाती है सेम्पेन जनजाति भारत में कहां पाई जाती है आंसर अरे भाई कहाँ पाई जाती है अंडमान निकोबार वेरी गुड सेम्पेन अब आप दारू के दुकान पे जाके कहिएगा कि सर हमको सेम्पेन दे दीजिए तो सेम्पेन कितने का आता होगा ए तीन हजार का आता है कितना लीटर सच तीन हजार का आधा लीटर आता है <laughs> ये तो अमृत से मांगा है ये तीन हजार का सेम्पेन आएगा अब आप सेम्पेन खरीदने जाइएगा तो पूछेगा कि सेम्पेन का रम दे देंगे सेम्पेन का विस्की दे दें दोनों आता है कि उसमें भी तो रम और विस्की टाइप वो अलग ही चीज है अरे वही कैटेगरी वही उसी टाइप का तो आपके सेम्पेन शराब जो है वो कहाँ की है फ्रांस के बोर्डो की है फ्रांस के कहाँ की है बोर्डो की है तो ये सब समझ में आ रहा है दारू एक ऐसी चीज़ है जो आपको टेम्प्रोरी रिलीफ देकर परमानेंट हेडेक देती है इसलिए कभी भी टम्प्रोरी रिलीफ के लिए परमानेंट हेडेक नहीं पालना चाहिए तो ये बोर्डो शराब के लिए फेमस हो गया किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस बोर्डो के इधर आएंगे ना तो आपको नीचे मिलेगा टुलूज बोर्डो के नीचे ये मिलेगा टुलूज जल्दी फटाफटा फटा फटा और बबुआ जल्दी जल्दी टुलूज मिल गया हवाई जहाज के लिए फेमस है टुलूज हवाई जहाज के लिए फेमस है टुलूज वायुयान यहाँ पर हवाई जहाज बनते हैं सब हवाई जहाज यूट्यूब पर हवाई जहाज के बारे में बड़ी सारा वीडियो बनाए कैसे एयरपोर्ट होता है रनवे क्या होता है जहाज़ क्या होते हैं प्लेन क्या होते हैं सब बताएं आप उसको देखेंगे जहाज के बारे में क्योंकि नक्शा का क्वेश्चन है मेन टॉपिक तो नक्शा है ना जहाज़ थोड़ी है इसमें तो वायुयान के लिए फेमस आपका कौन सा सर टुलूज कौन सा सर टुलूज शहर का नाम टुलूज कौन सा टुलूज आगे बढ़ जाए टुलूज हो गया किसी को कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ देखिए समुंदर में यहाँ देखेंगे सब लोग देखेंगे इटली के नीचे समुद्र में कोर्सी का द्वीप फ्रांस का एक द्वीप है जिसका नाम है कोर्सी का द्वीप फ्रांस का यह द्वीप है कोर्सी का द्वीप देखिए कितना दूरी पर स्थित है जिस तरह भारत से अंडमान निकोबार है भारत से दूरी पर अंडमान निकोबार है उसी तरह से फ्रांस से दूरी पर कोर्सिका द्वीप है वह किसका अधिकार है फ्रांस का अधिकार है कोर्सिका द्वीप पर किसका अधिकार है फ्रांस का अधिकार है फ्रांस का शहर फ्रांस की राजधानी क्या है पेरिस है फ्रांस की राजधानी पेरिस यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस पेरिस सी नदी के किनारे है पेरिस के नीचे एक शहर मिलेगा आपको लियोन पेरिस के नीचे एक शहर मिलेगा लियोन पेरिस के नीचे एक शहर मिलेगा लियोन मिल गया देखो विनोद शर्मा जी बोल रहे हैं कि रण चलिए भाई देखिए मिल गया भाऊ जल्दी जल्दी सर क्या बियर पीने से हेल्थ को फ़ायदा होता है नहीं रे बबुआ कोई फ़ायदा नहीं होता बियर पिएगा हेल्थ को फ़ायदा होगा हमको बोलता है सर सर आप दुबले पतले थे कि हम बहुत ज़्यादा दुबले हैं यहाँ पर बहुत पतले हैं तो कहता है सर दारू पी लीजिए हेल्थ अच्छा हो जाएगा रे ससुर है लेके क्या करेंगे कि दारू की पिए भरोसे रहेंगे हाँ फायदा क्या होगा ये सब नहीं पीना चाहिए आगे देखिए पहले के ज़माने में ऋषि मुनि को देखें कोई शराब दारू पीता था बहुत पहलवान पहलवान एक से एक होते थे भारत में सब सी बी एस ई वाला काम करता है ऐसे ही सब देखिए ध्यान से आगे लियोन शहर किस लिए फेमस है तो लियोन में एक इंटरनेशनल पुलिस काम करती है इंटरनेशनल पुलिस इंटरनेशनल पुलिस तो इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं इंटर पुलिस को क्या कहते हैं पोल शॉर्टकट में इंटरपोल कहते हैं शॉर्टकट में क्या कहेंगे इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस को शॉर्टकट में क्या कहते हैं इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है इंटरपोल कहा जाता है किसी को कोई दिक्कत नहीं इंटरनेशनल पुलिस को शॉर्टकट में इंटरपोल उसका मुख्यालय कहाँ है लियोन्स में फ्रांस की राजधानी क्या है पेरिस अभी यहाँ इमामूल मैकरेन का विरोध कर रहा है लोग पूरा का पूरा फ्रांस में बहुत सारा विवाद हो गया है इस सब आलतू फालतू को लेके इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए रीजन क्या है कि धार्मिक कट्टरता एक ऐसा चीज है कि अगर किसी को वो चीज़ उसकी विचारधारा है आप सही बोलेंगे गलत बोलेंगे वो आपको सुनेगा ही नहीं वो जो मान लिया है वही सोनेगा तो ये सब सोच रहे उनको मरने दीजिए इनको लगता है कि फ्रांस का विरोध कर देंगे तो कुछ हो जाएगा अरे भाई ऊँट के मूटने से ना रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आता है फ्रांस का विरोध करेंगे लोग अपना माचिस बनाने का लूर नहीं है फ्रांस का विरोध करेंगे लोग हवाई जहाज़ बना रहा है छोड़िए ये सब का ये हो गया आपका कौन सा सार हो गया फ्रांस हो गया किसी कोई दिक्कत नहीं है फ्रांस में सार कौन सा है ये फ्रांस किसी को कोई दिक्कत नहीं फ्रांस में फ्रांस के नीचे एक देश मिलेगा आपको स्पेन देखिए फ्रांस के नीचे एक देश मिलेगा स्पेन फटाफट देखिए लोग फ्रांस के नीचे एक देश मिलेगा स्पेन फ्रांस के नीचे स्पेन कितने लोग को मिल गया स्पेन फ्रांस और इस्पेन के बॉर्डर पर एक देश है एंडोरा फ्रांस और इस्पेन के बॉर्डर पर एक देश है एंडोरा फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर एक देश है एंडोरा फटाफट पाट देखिए फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर एक देश मिलेगा एंडोरा एंडोरा हो गया नहीं मिला जी जल्दी मिला एंडोरा किसी को कोई दिक्कत नहीं एंडोरा देखिए स्पेन और फ्रांस के सीमा पर एक पहाड़ है जिसका नाम है पीरेनीज पर्वत पर्वत का नाम क्या है पीरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के सीमा पर एक पर्वत है उस पर्वत का नाम है पीरेनीज पर्वत स्पेन फ्रांस के सीमा पर एक पर्वत है उस पर्वत का नाम है पीरेनीज पर्वत कौन सा पर्वत है पीरेनीज पर्वत आप फिजिकल नक्शा में देखेंगे तो यहाँ मिलेगा बिस्के की खाड़ी और यहाँ मिलेगा भूमध्य सागर और इसके बीच में पर्वत मिलेगा पीरेनीज पर्वत आप फिजिकल नक्शा में खोज सकते हैं तो कहेगा कि स्पेन और फ्रांस के सीमा पर यानी इनके बॉर्डर पर कौन सा पर्वत है पीरेनीज पर्वत लेकिन एक बार क्वेश्चन घुमा दिया था कहा था कि पीरेनीज पर्वत पर कौन सा देश है तो भैया एंडोरा नामक जो देश है ना वो पीरेनीज पहाड़वे के ऊपर है जिस तरह से नेपाल किस पहाड़ के ऊपर है हिमालय पर्वत के ऊपर कौन सा है नेपाल है वैसे ये कौन सा है पीरेनीज पर्वत पर्वत का नाम बोलेंगे कौन सा पर्वत है पीरेनीज पर्वत पर्वत का नाम पीरेनीज पर्वत उसके नीचे कौन सा देश है स्पेन उसके नीचे क्या है स्पेन है ये वाला देश हो गया स्पेन ये देश कौन हो गया स्पेन हो गया स्पेन की राजधानी क्या है मैड्रिड स्पेन की राजधानी मैड्रिड है स्पेन में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है देखिए ध्यान से कौन सी समस्या स्पेन का निचला भाग कह रहा है कि हमको अलग कर दीजिए तो वो कहता है कि हम एक अलग देश बनेंगे कैटालोनिया स्पेन से अलग होकर बनने वाला एक देश कौन है कैटालोनिया अब स्पेन कहता है कि हम इसे अलग नहीं होने देंगे और कहता है कि हम अलग ही होंगे तो स्पेन से अलग होने की मांग कौन कर रहा है कैटालोनिया स्पेन से अलग होने की मांग कौन कर रहा है कैटालोनिया ये वाला देश कौन सा स्पेन ध्यान से देखिएगा स्पेन ये वाला देश कौन सा स्पेन स्पेन का कितने लोग बता सकते हैं सबसे फेमस कौन सा खेल है स्पेन का सबसे फेमस खेल बता दीजिए स्पेन का सबसे फेमस खेल बता दीजिए स्पेन का सबसे फेमस खेल अरे भैया नहीं बताइएगा लोग फुटबॉल फुटबॉल तो है ही है फुटबॉल के अलावे विराट चौधरी वेरी गुड बुल फाइट बुल फाइट सुण से खेलता है सा <laughs> बुल फाइट देखे लोग सड़वा लड़ा लड़ा खेलता है यूरोप में तो फुटबॉल फेमस है पूरी दुनिया में भी फुटबॉल फेमस है नो no डाउट आप लोगों ने फुटबॉल आंसर दिया गलत नहीं है टेनिस भी तो वहाँ का फेमस है फुटबॉल भी फेमस है लेकिन एक अजूबा खेल खेलता है सर बुल फाइट सड़वा को लड़ा लड़ा खेलता है तो असल में ना वहाँ का जो साढ़ण होता है सब ना स्पेन का तो स्पेन का साण सी बोर्ड का है सर तो वो साढ़ उतना मजबूत नहीं होता है सर अत भारत के साण से खेले लोग ना पिनकेगा तो कुछ चढ़िए जाएगा पूरा भयानक मारता है तो वहाँ बुल फाइट खेला जाता है साण से खेलते हैं लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर जल्ली कट्टू में भी तमिलनाडु में ऐसी एक परंपरा थी आगे देखते हैं तो ये वाला खेल है यहाँ पर एक भेड़ पाया जाता है उस भेड़ को कहते हैं मेरिनो भेड़ उस भेड़ को क्या कहते हैं मेरिनो भेड़ और इस मेरिनो भेड़ से हम कंबल बनाते हैं लोग कंबल तो वहाँ का कंबल बड़ी फेमस है स्पेन का आगे स्पेन 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 से से का कौन सा एरिया है जो है जो अलग होना चाहता तो वो कैटालोनिया अलग होना चाहता है स्पेन से अलग होने की मांग कौन कर रहा है कैटालोनिया कर रहा है कि हमको अलग कर दो स्पेन से क्या कर दो हमें अलग कर दो स्पेन से क्या करना है अलग कर देना है किसी को कोई दिक्कत है कैटालोनिया क्वेश्चन पूछा हुआ है इवन यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कैटालोनिया किससे अलग होना चाहता है स्पेन से स्पेन का ब्रिटेन से दुश्मनी चलता है तो ये देखिए इंडिया पाकिस्तान या एशिया वाले अजीब टाइप का दुश्मनी करते हैं यूरोप वाले उस तरह से दुश्मनी नहीं करते हैं कहते हैं कि भैया आप गलत हैं आप सही हैं इस तरह से करके समझ में गया स्पेन और किसके बीच में फ्रांस के बीच में किस लिए स्पेन और ब्रिटेन के बीच में क्यों दुश्मनी है तो आप अपने नक्शा में ध्यान से देखिएगा तो इसके नीचे वाला एक एरिया है जिसका नाम है जिब्राल्टर जिस पर ब्रिटेन का अधिकार है इस जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है ब्रिटेन का अधिकार है छोटा सा एरिया एक तो छोटा सा शहर है लेकिन ब्रिटेन छोड़ता नहीं कहता है कि जिब्राल्टर पर मेरा अधिकार है हम नहीं छोड़ेंगे छोटा सा जगह है जिब्राल्टर कितने लोग को मिल गया जिब्राल्टर विकास यादव जी साढ़ बना के भेज रहे हैं अच्छा यादव जी हैं राजीव गुप्ता साढ़ मत भेजिए भाई समझ गए संजीव सिंह जी आंसर देंगे लोग मिल गया सब लोग को मिल गया कौन सा जगह मिला जिब्राल्टर हो गया एक आदमी कर रहे हैं कि सर पाकिस्तान ने चाइना को अपना दो दो आइलैंड दे दिया तो इसमें डरने की बात क्या है कुछ दिन में अपनी बहु बेटियां दे देंगे कि लीजिए ये मेरी बेटी है लेते जाइए गर्भवती करके पहुंचा दीजिएगा इसमें कोई टेंशन नहीं है वहां मेड इन चाइना होगा सब ना दिमाग तेज होगा उन सब पाकिस्तान पता है पाकिस्तान की वजह से सब लोग मुसलमानों को गाली देते हैं

केवल और केवल यहाँ पर एक पतला सा रास्ता है जिब्राल्टर ये पतला रास्ता का नाम क्या है जिब्राल्टर इसीलिए इसीलिए इस भूमध्य सागर में जाने का कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है ओनली और ओनली एक ही रास्ता है ये जिब्राल्टर और ससुरा ब्रिटेनवा चोट्टा ये यहाँ आके बैठल है इसीलिए बैठल है कि जिब्राल्टर में अगर हम अपनी सेना रखेंगे तो जिनको जिनको भूमध्य सागर में जाना है जिनको जिनको इस मेरिडेटेरियन सी में जाना है वो हमसे झगड़ा करके नहीं जा सकता है यानी दुनिया के मेन मेन पॉइंट पर ब्रिटेनवा वहाँ बैठल है आज दुनिया में जो भी लड़ाई हो रही है उस सब के पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटेन का हाथ है प्रथम विश्व युद्ध ये चट्टे यूरोप वाले ही कराए थे सब द्वितीय विश्व युद्ध ये यूरोप वाले ही कराए हैं सब और तृतीय विश्व युद्ध गारंटी देते हैं ये यूरोप में ही होगा समझ में गया सब सी बी एस ई बोर्ड वाला है यूरोप वाला ओ माई गॉड थर्ड वर्ल्ड वॉर जस्ट स्टार्ट समझ में गया तो ये जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी क्यों कहा जाता है कुंजी मैंने चाभी जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी क्यों कहा जाता है जिब्राल्टर को क्योंकि यही एक नेचुरल रास्ता है जो यहां पे आप घुस सकते हैं अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है समझ में आ गया कि नहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है हाँ भाई जिब्राल्टर जल संधि हाँ ऑनलाइन मिल जाएगा जब मेरा एटलस आएगा तो सर जी बगल से नहीं जा सकते रे बकलोल कहाँ से जाएगा इतना पतला रस्त हुए कितना किलोमीटर है तेईस किलोमीटर है ये है समुन्द्र में तेईस किलो का मतलब कौन सी होता है एकदम पतला रास्ता है अपना अपने में देखना बहुआ एकदम पतला रास्ता है जिब्राल्टर जल संधि हो गया स्पेन हो गया किसी को कोई दिक्कत नहीं स्पेन के बगल में देखिए पुर्तगाल स्पेन के बगल में आपको देश मिलेगा पुर्तगाल भारत पर सबसे पहले कब्जा कौन किया पुर्तगाल वाला और सबसे बाद में कौन गया पुर्तगाल वाला ससुरा 1400 अंधान में में आ गए थे सब पुर्तगाल वाला कब आया था तुम 1400 अंधान में अरे 14 कैसे लिखाता है जी ऐसे 1400 अंधान में अब 960 में गया सब पुर्तगाल वाला वास्को डिगामा जो आया था ना अगर केरल का राजा जेमोरिन उसको इतना मार मारता ना और कपड़ा ऊपर उतार के उघारे भेज देता ना कोनो भारत में नहीं आ रहा था उसका इतना ना आओ भगत हो गया भारत में अतिथि देवो भव तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जो रही है ना एक बात ये भी घातक हो गई है दूसरे को आने का बहुत ज़्यादा क्या मिल गया मौका मिल गया हमारी अपनी संस्कृति की वजह से चलिए आगे देखते हैं ये वाला जगह कौन है पुर्तगाल आंसर देखे कितने लोग बता सकते हैं पुर्तगालियों को भगाने के लिए भारत सरकार 1961 में कौन सा ऑपरेशन चलाया था कितने लोग बता सकते हैं जान जाएंगे कितने लोग बता सकते हैं 1961 में जो पटना ऑफलाइन क्लास वाले हो तो बता ही सकते हैं कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था सर जी तुर्की नाटो का सदस्य हाँ है अरे बकलो लो भाई इंट्री किधर से करेगा समुंदरवा में करेगी सर इधर से नहीं जा सकते निकलेगा किधर भूमध सागर ऊ सर इसमें से तो जाइए सकते हैं तो जाइए सकते हैं बकलवा तो निकलेगा किधर से रे ट्रेन में तो कहीं से जा सकते हैं प्लेटफॉर्म में तो कहीं से एगो मेन गेट होता है ना निकलेगा कहाँ से यहीं से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था पोलो मार के मुंह तूर देंगे पोलो बोलता है तो एक दो लोग सही दिए आंसर सर नहर आर्टिफिशियल है बाबू सरवन गुप्ता जी वेरी गुड ऑपरेशन विजय चलाया गया था बहुत से लोगों का सही है ऑपरेशन विजय चलाया गया था पुर्तगालियों को लतियाने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था और पाकिस्तानी घुसपैठियों को लतियाने के लिए 1999 में भी ऑपरेशन विजय चलाया गया था दो दो ऑपरेशन चलाए गए थे किसी को कोई दिक्कत नहीं पुर्तगाल पुर्तगाल में और क्या चीज़ पढ़िएगा पुर्तगाल की राजधानी क्या चीज़ है लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी क्या है लिस्बन है पुर्तगाल के विदेश मंत्री एंटोनियो गुटेरस को अभी च... अभी यूएनओ का महासचिव बनाया गया है यूएनओ का क्या किया गया महासचिव दुनिया का सबसे बेईमान शहर है लिस्बन यहाँ किसी का सामान गिर जाता है तो कोई पहुंचाता नहीं है <laughs> रख लेते हैं सब जबकि भारत में ये परंपरा अच्छी है आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भलाई करते हैं अब सब बाबा के ढाबा की तरह तो नहीं हो जाते हैं सब <laughs> जो भला ही किया होकर पे केस ठोक दिया और ऐसे कह रहा है कि जैसे लग रहा है बुढ़ऊ कमा के दिए थे उसको खैर अलग बात है देखिए बहुत अजीब चीज़ हुआ बाबा के ढाबा के साथ वहाँ पर वो बेचारा यूट्यूबर रो रहा था कल वीडियो देखे उसका तो वहाँ पर यार कोई किसी के कहने पे थोड़ी आना चाहिए बाबा को भी समझना चाहिए कि बाबा को आज पूरी दुनिया पहचान गया यहाँ पर और चार लाख लड़का वो दे दिया है तो बाबा जिंदगी भर पराठा छानते रह जाते तो चार लाख रुपया नहीं मिलता बेचारा तो बाबा उसको रुला दिया कोई बात नहीं चलिए आगे समझते हैं ऑपरेशन विजय याद हो गया पुर्तगाल ये वाला चीज़ हो गया तो ये हो गया पुर्तगाल और ये हो गया स्पेन पहले ये दोनों एक ही में थे सब अब यहाँ समझिए इस चीज़ को समझिए अच्छे से बहुत साल पहले स्पेन और पुर्तगाल एक ही कंट्री थे सब बाद में धीरे धीरे अलग हो गए सब जैसे भारत एक ही में था पाकिस्तान एक ही में था बांग्लादेश था सब म्यांमार सब तो भारत का ही था किसी को दिक्कत तो ये पहले एक ही था अब आप इस काले वाले पोर्शन को देखिए आपको ये दिख जाएगा कि ये काला वाला पोर्शन तीन ओर से समुंदर से घिरा है इधर भी समुद्र है इधर भी समुद्र है और इस साइड भी समुद्र है तीन ओर से समुद्र से घिरा है तो तीन ओर से समुद्र से घिरे एरिया को हम पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं तीन ओर से समुद्र से घिरे क्षेत्र को पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं इस प्रायद्वीप को आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं क्या कहेंगे आइबेरिया प्रायद्वीप आई बेरिया बैरिया नहीं जी बैरिया समझते हैं दोपहर खाना खाने के बाद जो आदमी सोने जाता है दो से तीन बजे के बीच का चीज तो बिहार में लोग उस टाइम को बैरिया कहते हैं बैरिया <laughs> तो आइबेरिया आई है आईबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं लेकिन आज आइबेरिया प्रायद्वीप पर कितने देश हैं दो एक स्पेन है और एक पुर्तगाल है ये तो पुर्तगाल इधर इधर वाला क्या हो जाएगा पुर्तगाल और इधर वाला क्या हो जाएगा स्पेन तो स्पेन और पुर्तगाल स्पेन और पुर्तगाल को मिला देते हैं तो उस प्रायद्वीप को क्या कहा जाता है आइबेरिया प्रायद्वीप शुभम कुमार बताया तो चाइना पाकिस्तान ने दो आइलैंड दे दिया कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े देखिए एम डी अदनान राजा है ये सर जी मेरा नाम लीजिए अरे क्या करेंगे तुरा नाम लेके <laughs> मेरा नाम लीजिए आगे चलिए इतना तो समझ में आ गया यूरोप का एरिया तो आपके दिमाग में यूरोप का ये एरिया कंप्लीट हो गया चाहे वो पुर्तगाल हो स्पेन हो ये वाला एरिया यहाँ तक समझा दिए हम आपको स्पेन देखिए यूरोप में ये कंट्रीज पूरे यूरोप के हम आपको समझा दिए हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को इतना यूरोप बता दिए अब यूरोप के अंदर चलना है इतना यूरोप बता दिए ना अब इस यूरोप में आपको देश की याद देश याद करके हमको सुनाइए पहला बताइए में चारों देश के नाम एस्क में चारों देश के नाम जल्दी जल्दी एस्क में चारों देश के नाम एस्क में चारों के नाम हाँ वेरी गुड आधे आधे अच्छा लिख दीजिए लोग बहुत है किसी को कोई दिक्कत नहीं अभी कई ठुकरा है सर जोग्राफी में एडमिशन फिर से शुरू कर दीजिए क्लोज हो गया है बकलोल अभी तक सुतल था सर देखना पड़ेगा अब सर्वर में जगह खाली रहेगा तो खोलेंगे नहीं तो फिर बंदे रह जाएगा हाँ वेरी गुड सही है सबका नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क कहेगा कि इन चारों में से कौन सा है जो जो नहीं है तो फिर फिनलैंड मार दीजिएगा बताइए तो नार्डिक कंट्री में पांच देश नार्डिक में छओ का नाम बताइए पांच नहीं छओ का नाम बताइए नार्डिक में छओ का नाम बताइए नार्डिक कंट्री में छओ के नाम नार्डिक में छओ के नाम बताइए एसकेवियाई में तो चार ठोले ही लेंगे इधर से डेनमार इधर से ग्रीन लैंड और आइसलैंड ग्रीन लैंड और आइसलैंड इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है नार्डिक बन जाता है क्या बन जाता है नार्डिक कंट्रीज किसी को कोई दिक्कत नहीं ना छओ में क्या जोड़ देना दो ठो और जोड़ देना इधर से आइसलैंड और ग्रीन लैंड जोड़ देना हालांकि ग्रीन लैंड नहीं हो बोलेंगे तो डेनमार्क के साथ आ जाता है लेकिन बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको याद रहेगा ये क्या हो गया नार्डिक इन दोनों को हटा दिए तो एस्कोनेविया चलिए अब बताइए तो बाल्टिक में कितने देश बाल्टिक में तीनों देश के नाम बताइए बाल्टिक के तीनों देश के नाम बताइए बाल्टिक के तीन देश बाल्टिक के पूछ रहे हैं बबुआ रे बबुआ बाल्टिक के बाल्टिक के तीनों के नाम एस्टोनिया लातिविया लिखवा शशिकांत कुमार वेरी गुड एस्टोनिया लातिविया लिथुआनिया शरद अरोड़ा जी आपका भी सही था रोहित कुमार अमित कुमार चंदा मोहित गोरखपुर लाल अरे भाई कौन नाम है भाई गोरखपुर लाल प्रियंका कुमारी आपका भी सही है देखिए लड़कियों सब अब जवाब दे देती हैं सब यो सब पढ़ने लगी है सब में कितने देश चार इसमें दो को जोड़ देंगे तो नार्डिक ये द्वितीय विश्व युद्ध कराने वाले दूगो देश द्वितीय विश्व युद्ध वाले जर्मनी और पोलैंड द्वितीय विश्व युद्ध वाले जर्मनी और पोलैंड यही चोटा सब मार किया सब आपस में जर्मनी और पोलैंड जर्मनी और पोलैंड द्वितीय विश्व युद्ध वाले जर्मनी और इधर में पोलैंड द्वितीय विश्व युद्ध करा के अपने खत्म हो गया सब जर्मनी पोलैंड कौन वाले हैं सब द्वितीय विश्व युद्ध वाले हैं जर्मनी और पोलैंड द्वितीय विश्व युद्ध वाले हैं सर ये जर्मनी या पोलैंड है ये कौन वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध वाले, वाले बेनेक्स बेनेक्स में कितने देश बेनेक्स में कितने देश तीन देश तीनों के नाम बेनेक्स में तीनों देश 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 के नाम बेनेक्स में तीनों के नाम प्रभात जयसवाल वेरी गुड बेल्जियम नीदरलैंड लगज बिमल विश्वास सही है बाबू आपका भी हो गया बेनेक्स भी हो गया वेरी गुड बेनेक्स हो गया बताइए ब्रिटेन में तीनों देश के नाम ब्रिटेन के तीनों देश के नाम ब्रिटेन के तीनों देश के नाम ब्रिटेन के तीनों देश के नाम फटाफट आंसर दीजिए ब्रिटेन के तीनों देश के नाम ब्रिटेन के तीनों देश के नाम आ इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड बताइए तो ब्रिटेन कोई द्वीप है या नहीं है ब्रिटेन द्वीप है या नहीं है आंसर देंगे लोग ब्रिटेन द्वीप है कि नहीं है तो ब्रिटेन एक द्वीप है इस द्वीप पर तीन देश ब्रिटेन के बगल में एक और द्वीप है जिसका नाम है एमराल्ड द्वीप इस द्वीप का नाम क्या है एमराल्ड द्वीप एमराल्ड द्वीप पर कितने देश दो गो देश उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड उत्तरी उत्तरी आयरलैंड 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 और आयरलेंड. जब आप को ब्रिटेन से जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन को मिला देंगे तो यूनाइटेड किंगडम जबकि उत्तरी आयरलैंड किस द्वीप पर है तो एमराल्ड द्वीप पर है एमराल्ड द्वीप पर कितने देश तो दो देश आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड उत्तरी आयरलैंड को जब कभी आप ब्रिटेन से जोड़ देते हैं बन जाता है यूनाइटेड किंगडम यह वाला द्वीप है एमराल्ड द्वीप एमराल्ड द्वीप पर दो देश कौन कौन ये होगा नीचे में आ जाइए कौन सा देश मिलेगा यूरोप का भारत आंसर देंगे यूरोप का भारत यूरोप का भारत, यूरोप का भारत। फ्रांस यूरोप का भारत फ्रांस यूरोप का भारत फ्रांस क्योंकि खेती पर निर्भर है यूरोप का भारत फ्रांस खेती अच्छा कर लेता है यूरोप का भारत फ्रांस यूरोप का भारत फ्रांस आइबेरिया प्रायद्वीप प्रदेश आइबेरिया प्रायद्वीप प्रदेश आइबेरिया प्रायद्वीप प्रदेश दो देश आइबेरिया प्रायद्वीप पर दो देश कौन कौन स्पेन और पुर्तगाल स्पेन और पुर्तगाल आइबेरिया प्रायद्वीप पर कितने देश दो देश कौन कौन स्पेन और पुर्तगाल आइबेरिया प्रायद्वीप पर कितने देश दो देश स्पेन और पुर्तगाल स्पेन और पुर्तगाल स्पेन और पुर्तगाल एस पी वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छा यूरोप का नक्शा दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ जाना चाहिए यहाँ पर आज के लिए इतना ही कल बताएंगे आप आगे आगे इधर बता देंगे नीचे वाले देश इसमें बस एक ठो आता है आपका बालकन प्रायद्वीप उसको बता देंगे इटली वगैरह बता देंगे फिर यूरोप कंप्लीट हो जाएगा आपको आई होप आप इसे समझे होंगे इसको अच्छे से बताइए अपने मोहल्ले में जो दो, दो चार लोग हैं उनको भी पढ़ाइए क्योंकि रिवीजन करने से बेहतर है किसी को पढ़ा दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आई होप आप इसे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जय हिंद